हाय दोस्तों, वेलकम टू एशिया कंट्रोल्स। सबको दिवाली, हैप्पी दिवाली। सो बहुत दिन के साथ हम वीडियो डाल रहे हैं। सो ये वीडियो पे हम देखने के लिए जाते हैं T77 सब जीरो का कंट्रोलर। सो ये T77 कंट्रोलर बेसिकली इंडिकेटर है। इसमें आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर तीनों आप देख सकते हैं। इसमें कंट्रोलिंग कुछ नहीं रहता है, कंट्रोल का अलार्म आउटपुट वगैरह नहीं रहता है, ओनली इंडिकेशन रहते हैं। जो कि इसको बड़ा थोड़ा वॉल माउंटिंग भी चाहिए और डिस्प्ले भी बड़ा चाहिए, तो उसको ये अच्छी तरह से एलिगेंट डिस्प्ले और वाइट डिस्प्ले, 2 इंच का डिस्प्ले आ जाता है इसमें। इसके अंदर टेम्परेचर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, NTC डिफॉल्ट रहता है, और ह्यूमिडिटी सेंसर आपको 4 to 20 mA भी कनेक्ट कर सकते हैं, और HS 100, HS 220 सब जीरो वाला भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये अपना NDC सेंसर है जो रेगुलर 7510 7569 में लगता है वो सेंसर। इसमें टेम्परेचर डिफॉल्ट है, इसमें आपको RTD P300 वगैरह कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओनली NTC कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर रेंज है -50 से +100 तक, 99 तक जा सकते हैं। इसमें और क्या क्या है हम देखने के लिए जाते हैं। और इसके अंदर कोल्ड रूम और बड़ा रूम है, और वेयर हाउसिंग है, ऑपरेशन थिएटर में है, उसमें टेम्परेचर दिखना है अच्छा, अच्छी तरफ से दिखना है, तो ये आराम से आपको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो डिवाइस दिया है ना, ये 1 और 3 में सप्लाई देना पड़ेगा, पावर सप्लाई। और इसमें ऐसा कनेक्टर आ जाता है, ये वॉल माउंटेड है। ये कनेक्टर को पहले होल इसमें माउंटिंग टेम्पलेट भी दिया है, साइज मेजर करने के लिए, वो उसमें मार के साइज ये करके आप फिटिंग करना पड़ेगा। सो ये फिटिंग करने के बाद वॉल माउंटेड है, ये जैसा आप रिमूव भी कर सकते हैं, वो ऐसे ही परमानेंट रहेगा, ये आपको रिमूव करना पड़ेगा। फिर इसमें 4, 1 और 3 सप्लाई दे दिया, 4, 5, 6 में RGB बोलें तो रेड ग्रीन ब्लैक, वो जो HS 100 का सेंसर है, ये एक्चुअली 4 to 20 mA का सेंसर जो आता है, ये आपको जो मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है, कंडेंसेशन 95 के ऊपर ज़्यादा है, तो ये सेंसर कनेक्ट करना पड़ेगा। ये सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और सब जीरो का जो HS 100, HS 220, जो 2911 2711 में आता है ना, वो सेंसर भी इसमें, इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये HS 100 बोले तो 0 to 100% का ह्यूमिडिटी आएगा, HS 220 में 30 to 90% का दिखता है, आपको जैसा चाहिए वो लगा सकते हैं। लेकिन इसमें दोनों में एक ही डाल सकते हैं, अगर HS 100 डाल दिया तो आपको 0 to 99 तक जाता है, और आपको सर्वर रूम और AC रूम कंडेंसेशन किधर नहीं है, ये सेंसर अच्छा है। आपको बहुत सारा मॉइस्चर कंडेंसेशन रहेगा तो वो 4 to 20 उसका सेंसर यूज़ करना पड़ेगा। इसमें 6 और 7 NTC टेम्परेचर सेंसर, ग्राउंड है 6 नंबर, और 8 नंबर पे 4 to 20 है। और इसके अंदर 2 बटन रहता है, एक ऊपर वाला RO है, प्रोग्राम और सेट, दोनों का एक ही बटन रहता है। ये दोनों बटन आप प्रोग्राम वगैरह मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज़ होते हैं। ये डिस्प्ले ऐसा वॉल माउंटेड डिस्प्ले है, इसमें डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, RH का परसेंटेज, प्रेशर का, PSI, वो सब यूनिट इसके अंदर आ जाते हैं। कौन सा वैल्यू आता है वो वैसा वो आपको आइकन दिखता रहता है। अभी प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। सो NTC आ गया, तो NTC ये तो डिफ़ॉल्ट है, आपको तो मैंने पहले बोला था, ये आपको डिग्री सेल्सियस चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए। तो यूनिट जैसा आपको अगर फ़ारेनहाइट में चाहिए तो फ़ारेनहाइट में लगा सकते हैं, और नॉर्मली हम इधर इंडिया में डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, ओनली जो हीट है जो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, ये आपको डिग्री सेल्सियस में सेट किया है, आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। उसके बाद RST है, ये रेजोल्यूशन पैरामीटर है। सो आपको जो डेसिमल में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, अगर डेसिमल है तो 0.1 में आपको टेम्परेचर वेरी होता रहता है, और 1 किया तो आपको 1/1, 1, 2, 3 ऐसा जाता है। अगर 0.1 आप किया था रेजोल्यूशन, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट का टेम्परेचर वेरी होता है, तो वो भी इसमें दिख जाएगा। ये नॉर्मली 3 डिजिट डिस्प्ले है, ये 1 किया तो आपको 1, 2, 3, 31, 32 ऐसा दिखेगा, और 0.1 किया तो आपको 31.1, 31.2 ऐसा आपको वैल्यू इंक्रीज होता रहता है। उसके बाद है P5 है, ये नॉर्मल अपना सब जीरो 7510 2220 में आता है ना, वो प्रोब कैलिब्रेशन है,
जो ऑफसेट कैलिब्रेशन है, इसमें अगर प्लस और माइनस 10 डिग्री आप ऊपर नीचे करके टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर 5 डिग्री कम करके दिखाना है तो माइनस 5 रखना है, और 5 डिग्री ज़्यादा करके दिखाना है तो प्लस 5 दिखाना है। अभी नॉर्मली ये पैरामीटर तो जीरो होना चाहिए, और 1-2 अगर 1 रहेगा तो अभी टेम्परेचर फिलहाल 25 है तो ये प्लस 1 क्या तो 26 रहेगा। ये एक्चुअली आपको टेम्परेचर 4-20 मिलियम्स वाला सिलेक्शन है, जो उसमें तीन सेंसर बोला था ना, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का और 4-20 मिलियम्स का। ये 4-20 मिलियम सेंसर आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्रेशर सेंसर है तो ये प्रेशर इधर सेलेक्ट करना है, आरएच है तो आरएच इधर सेलेक्ट करना है। अगर 4-20 मिलियम सेंसर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप सीधा डिसेबल कर देने का। ये HSS बोले तो ह्यूमिडिटी सेंसर का सिलेक्शन है। ये ह्यूमिडिटी सेंसर आप पहले में बोला था ना, सब जीरो का जो ह्यूमिडिटी सेंसर HS 200 है 220 डिसेबल रहेंगे तो आप ह्यूमिडिटी यूज़ नहीं करता होगा। और HS1 किया तो आपको 0-100% का वो वाला सेंसर आप यूज़ कर रहे तो HS1 सेलेक्ट करना है। अगर HS2 सेलेक्ट किया तो ये HS 220 ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ह्यूमिडिटी सेंसर आप यूज़ ही नहीं करें ओनली टेम्परेचर के लिए तो आप डिसेबल रखने का। तो उसके बाद NDA डिफॉल्ट नॉर्मल डिस्प्ले, जो आपको इसमें टेम्परेचर बहुत सारे पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर है। अगर सिर्फ टेम्परेचर दिखाना है तो TNP रखना है। ये TNP हम लोग ओनली टेम्परेचर दिखा रहे हैं। RH तो इसमें RH कर दिया तो ओनली RH का वैल्यू आएगा उसमें, इसमें PR किया तो प्रेशर का आएगा। उसके बाद ALL बोल के आप टेम्परेचर, प्रेशर, RH तीनों कनेक्ट किया तो ऑल कनेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर ऑल सेलेक्ट किया तो 2 सेकेंड्स के एक बार आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर आता रहेगा। उसके बाद TNDA मतलब क्या है, टाइम, वो साइमल्टेनियस डिस्प्ले डिले है। वो डिले किसके लिए है, अभी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर आप कनेक्ट किया है 2 सेकेंड इंटरवल पे किया तो 2 सेकेंड के एक बार वैल्यूज टेम्परेचर आएगा, 2 सेकेंड के बाद ह्यूमिडिटी आएंगे, 2 सेकेंड के बाद प्रेशर आएगा। अगर थोड़ा और विथस्टैंड करके चाहिए, 5 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद मेरे को वैल्यू आने का, तो वो भी चेंज करके कर सकते हैं। अगर 5 किया तो क्या होता है, टेम्परेचर पहले 5 सेकेंड दिखेगा, उसके बाद 10 सेकेंड्स के बाद ह्यूमिडिटी आएगा, उसके बाद 10 सेकेंड्स के बाद प्रेशर आएगा, वो डिले आप ये कर सकते हैं। उसके बाद AL मीन्स अलार्म पैरामीटर। इसमें एक्चुअली अलार्म रिले वगैरह नहीं है, फिर भी आपको अलार्म आइकन में डिस्प्ले आएगा, जो डिस्प्ले मैसेज आएगा, बजर भी नहीं है उसमें अंदर। अगर AL में आप जीरो कर दिया, ओनली सेंसर फेल होता है तो आपको अलर्ट आएगा। अगर AL में एक कर दिया, सेंसर फेल आता है तो भी अलर्ट आएगा, आइकन डिस्प्ले आएगा, और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर ऊपर नीचे गएंगे तो भी आपको वो आइकन में डिस्प्ले आ जाता है अलर्ट। अगर AL में जीरो किया तो ओनली कभी फेल होता है तभी अलर्ट आता है। ये AL पैरामीटर का डेफिनेशन है। और नेक्स्ट पैरामीटर आपको पता है, कीपैड लॉक है। कीपैड लॉक में क्या है, अनलॉक किया तो आप, लॉक किया तो यूज़ नहीं कर सकते, कुछ पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते। अनलॉक कर दिया तो पैरामीटर चेंज, सब सेटिंग करने के बाद आप लॉक कर दिया तो कोई भी आए के पैरामीटर चेंज नहीं होता है। और FS आपको पता है फैक्ट्री रीसेट है। यस किया तो जभी अभी हम जो सेटिंग है वो पूरा रीसेट हो जाता है, फैक्ट्री में डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें आ जाता है। उसके बाद EP आपको पता है, एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग, बाहर आने के लिए। अगर आपको बाहर आने के लिए नहीं आता है, बाहर कुछ नहीं आया तो भी अपने आप 10 सेकेंड पे बाहर आ जाता है। अभी का टेम्परेचर 28.7 डिग्री दिख रहा है आपको। जो हमारा वीडियो अच्छा रहेगा तो आप हमारा वीडियो को, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, बहुत ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।